पकड़ो वहाँ पे, वहाँ पे करंट मारता है पीछे वाले। आज हम सब आपके समक्ष एक नाटक के माध्यम से यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कैसे एक शिक्षक अपने सामने आई हुई विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने शिष्य के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करता है। तो आइए देखते हैं पहला दृश्य, जिसमें सभी बच्चे क्लास में शोर मचा रहे होते हैं और तभी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। थैंक यू सर। अरे रुको रुको, बैठो पहले। अरे हल्ला क्यों आ रहा था? अरे बाप, तुम सबको बहुत हल्ला मचा रहा है ना, अब मैं तुम सबको सरप्राइज टेस्ट लूंगा। चलो बैठो बैठो, जल्दी कॉपी पेन निकालो। चल ले लीजिए। क्या हो रहा है बच्चों, शरीर क्या हो रहा है? सर सबका टेस्ट चल रहा है। कैसा टेस्ट है ये? चीटिंग कर रहे हैं? कैसे बच्चे हैं? सर मासूम बच्चे हैं सर। कैसे मासूम है? सॉरी कल पीटीएम में आप सबके पेरेंट्स को आना है।
यस सर, आपके नहीं इन बच्चों के। कल वाली मेरी बेटी अब लेके आना अपने पेरेंट्स को, और जिसके पेरेंट्स नहीं आए वो मेरी क्लास में बैठ नहीं बैठेगा नहीं। परीक्षा के पश्चात डरे हुए बच्चे एक विख्यात बाबा के पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाबा उन्हें क्या समाधान बताते हैं। अरे यार, तो यार, अब हम क्या करेंगे? हम तो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या में। गुरुजी, अरे गुरुजी, गुरुजी, जब तो बड़ा मीठा व्यंजन। पुत्र, तुम्हारा मुख देखकर हमें प्रतीत होता है कि तुम किसी विकट समस्या में हो। अरे गुरुजी, हमारी सहायता करो। पुत्र, हमें सब ज्ञात है, तुम चिंता ना करो। हमारे पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है। हम बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, बाबा हैं, बाबा। तुम बस इस कैलाशपति शिव शंभु के शिवलिंग पर 2 लीटर दूध तथा 5,000 रुपए की भेंट चढ़ा दो, तुम्हारा भला होगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है। पैसा दे रहा गुरु जी की जय हो। अलग निरंजन, ताक निरंजन, बड़ा मीठा व्यंजन। चल बेटा चल, आज इन्हीं पैसों से पार्टी होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल सर ने पीटीएम की घोषणा करी थी, तो सभी विद्यार्थी अपने माता पिता को लेकर विद्यालय में आते हैं। श्री रघुनाथ सिंह, एक जानी मानी पार्टी के नेता, कृष्णांशु के पिता की भूमिका निभाते हुए कक्षा में प्रवेश करते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े, नेताजी आ रहे हैं, आते ही नमस्ते बोलना है उनको। जी हाँ, मैं नमस्ते बोलो, नमस्ते। काहे तुम्हारा मार रहे हो भाई, बच्चे का स्कूल है, कौन सांसद थोड़ी है। नहीं, माहौल की सभ्यता को बनाए रखो, बिगाड़ो मत। नमस्ते सर, आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए मास्टर साहब, बताइए हमारे ललुआ की क्या कंडीशन है। सर, आपका पुत्र पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, ये फेल हो चुका है। क्या किया क्या है इसने एग्जाम में, ये तो बताइए तनिक। सर, एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मैप का, इसने सब कुछ गलत भर रखा है। इसने चंडीगढ़ को बिहार में पहुंचा रखा है, केरल को आसाम में पहुंचा रखा है, मैं इसे कैसे पास कर दूं सर? अरे मास्टर, एक बात बताओ, तुम पता नहीं है यार, हमारी गवर्नमेंट चल रही है, लड़के के चाचा विधायक हैं, हम सांसद हैं, अभी तो देखते जाओ तुम, अमृतसर महाराष्ट्र में पहुंचेगा, मुंबई पटना में पहुंचेगा। तुम्हें पता ही क्या, हमारे लड़के ने बिल्कुल सही किया है, तुम्हारी चेकिंग में गलती है, सही करो इसे और नंबर बढ़ाओ हमारे ललुआ के। सर ऐसे कैसे सर? हम कह रहे हैं ना, राज चलता हमारा राज। दया मेहता, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही मुश्किल वाला है, कीर्ति की माँ की भूमिका निभाते हुए कक्षा में प्रवेश करती है। जी, आइए बैठिए।
की बेटी है। हमें तो पहले से विश्वास है, हमारे तो बच्चे हमेशा से पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। इस बार भी इनके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, ये तो बस पूरे दिन फोन पर पढ़ते ही रहते हैं। बहन जी ऐसा नहीं है, आप खुद ही देखिए। हे मेरी माता जी, ये क्या इससे नहीं होने वाली पढ़ाई लिखाई, इससे तो पूरा दिन फेसबुक व्हाट्सएप और टिकटॉक चलवा लो। चलते को तो घर पे लेके बताती हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी प्लीज। अत्यंत धार्मिक शिव के पिता की भूमिका निभाते हुए कक्षा में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण महोदय। सर जय श्री कृष्ण। बैठिए सर, आपका पुत्र पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, इसके 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स आए हैं, मैं इसे कैसे पास कर दूं? देखिए वास्तुशास्त्र के अनुसार तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठाना चाहिए, फिर देखिएगा सबके अच्छे नंबर आएंगे। सर ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के मार्क्स संख्या आए हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स संख्या आए हैं जिनमें से आपका पुत्र भी एक है। अच्छा दिखाइए कॉपी। अरे सर देखिए, आपने कॉपी जांची है लाल रंग की स्याही से, जो मेरे शुभ के लिए एकदम अशुभ है। आप कॉपी जांचिए काले रंग की स्याही से, फिर देखिएगा मेरे पुत्र के पूरे में से पूरे अंक आएंगे। इसे शास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान है बेटा, शुभ एक श्लोक सुनाओ। पिताजी कौन सी भाषा में? बेटा संस्कृत भाषा में सुनाना है। वैसे संस्कृत में हाँ, ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो हमसे तगड़ा होए। वाह बेटा वाह, क्या श्लोक सुनाया, मजा ही आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, देखा कितना अच्छा है मेरा बेटा। करवाली बेइज्जती हो गई तसल्ली, घर चला।